दिवसीय गंगा यात्रा का समापन आज कानपुर के अटल घाट पर होगा। बिजनौर और बलिया से होकर आज कानपुर आने वाली गंगा यात्रा का स्वागत अटल घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अटल घाट पर आयोजित गंगा आरती और गंगा पूजन में सीएम योगी शामिल रहेंगे। आरती और पूजन का जो कार्यक्रम है संपन्न कराने के लिए 11 आचार्यों की टीम वाराणसी से कानपुर पहुंच चुकी है। तो अटल घाट पर गंगा आरती दोपहर में 12 बजे होगी। आरती और पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी यहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी के अलावा सरकार के जुड़े करीब 8 मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कई वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक, गंगा विचार मंच के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि आज जो समापन समारोह गंगा यात्रा का जो कानपुर बैराज पर जाकर मिलेगी, तो भव्य आरती और पूजन का आयोजन यहां पर किया गया है। से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस समापन कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उनके सरकार के 8 मंत्री भी यहां पर शामिल होंगे। तो 5 दिवसीय गंगा यात्रा का समापन कानपुर के अटल घाट पर किया जाएगा। तो बिजनौर और बलिया से होकर ये यात्रा शुरू हुई थी और अब कानपुर के बैराज में ये गंगा यात्रा मिलेगी। संवाददाता नीरज अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, 5 दिवसीय गंगा यात्रा का समापन आज कानपुर के अटल घाट पर, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। जी आसमा, आपको बता दूं कि जो बरेली और बिजनौर से गंगा यात्रा चली थी वो कानपुर आज पहुंचेगी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सीएसए पैक पर करीब 12:20 तो उतरेंगे। इसके बाद सीधा वो अटल घाट जाएंगे जहां गंगा आरती होगी। भव्य आयोजन किया गया, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। उसके बाद पास ही में निषाद पार्क है, वहां पे गंगा समागम होगा। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं वहां पे। सुबह से ही जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आला अधिकारी हैं, सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम रखे जा रहे हैं और जो नजारे होंगे यहाँ पे कानपुर में आज देखने लायक होंगे। जी आसमा, बिल्कुल। अभी क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? जैसे की आप तैयारियों की बात कर रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई है, तो क्या कुछ विशेष तैयारियां समापन समारोह में नीरज? देखिए आपको बता दूं अश्मा की, सबसे पहले अटल घाट को पूरी तरीके से सजाया गया है। वहां पे गंगा आरती होगी। विशिष्ट अतिथि जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वो रहेंगे। इसके साथ तमाम जो मंत्री हैं, आला अधिकारी हैं और जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो लोग मौजूद रहेंगे। इसके लिए वाराणसी से पुजारियों की एक टीम भी बुलाई गई है जो यहाँ पे गंगा आरती में भाग लेगी। मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती होगी। उसके बाद निषाद पार्क में पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई जहाँ लोगों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी अश्मा, चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।